ओम शांति। अभी भी सदा उमंग उत्साह में ले आती थी, हिम्मत बढ़ाती थी। कभी दीदी के मुख से ये नहीं निकला कि ये तो हो नहीं सकता या तो कर नहीं सकती। तो ऐसे ही दीदी के साथ जुलाई मास में बहुत यादें आती है और बहुत मुझे दीदी से प्रेरणा मिली हुई है, प्यार मिला हुआ है। दीदी छोटी छोटी बात सिखाती थी, खाना कैसे खाना वो भी सिखाती थी। एक बार बाबा ने कहा मेरे साथ भोजन करना, दीदी से कहा बच्ची को बुलाना भोजन पे। तो दीदी ने ये भी सिखाया कि रायटी से कैसे भोजन करना है। बाबा तो बहुत सूक्ष्म भोजन लेगा, बिल्कुल फरिश्तों की तरह नाम मात्र लेगा, और तुम उसके आगे ढेर सारा थाली में बैठ के खाएंगी तो ये शोभा नहीं देता है। जिस महान हस्ती के साथ भोजन करना है उसी तरह का करना है और उसी ढंग से करना है। तो दीदी कहती देखो तुम भूखी रह जाओगी, जाओ पहले आधा पेट भोजन भंडारे से खा के आओ और फिर बाबा के साथ थाली में बैठना। तो बाबा के साथ बैठेंगी तो रायटी से करेंगी। तो मैं, बड़ी दीदी और बाबा तीनों जब भोजन पर बैठे तो जैसा दीदी ने सिखाया और कहा कभी भी किसी रॉयल लोगों के साथ भोजन करना है तो उसी रायल्टी से भोजन करना है, ऐसे नहीं कि बस पेट भरते जाना है, चार रोटी तीन रोटी खाते जाना है। तो ये भी दीदी ने सिखाया, मना हर एक मर्यादा हर एक विशेषता दीदी सिखाती रहती थी। तो ऐसे ही कहें जैसे एक माँ अपने बच्चे को इतना नहीं सिखाती है, लौकिक में पदपक पर उतना दीदी जी ने हमको सिखाया।